तो जो विपक्षी एकता का प्रयास किया जा रहा है वो ठीक है, होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन उसका चुनाव पर कितना परिणाम पड़ेगा ये इस पर निर्भर है कि जो एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो उसके भागीदार लोग हैं वो किस मुद्दे पर जनता के पास जाते हैं। वो सिर्फ कौन चेहरा लेकर जाते हैं ये भी जरूरी नहीं है। कई बार पत्रकारों को ये भी आप लोग यही सवाल पूछते हैं कि इसका नेता कौन है। कई बार जब अगर आप सही आंदोलन करेंगे, सही कार्यक्रम लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो चेहरा अपने आप निकल आएगा। 1977 में मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने, ऐसा तो है नहीं कि 77 का चुनाव मोरारजी देसाई को पहले प्रधानमंत्री डिक्लेयर करके लड़ा गया। बीपी सिंह जी को भी कोई प्रधानमंत्री का फेस बनाकर डिक्लेयर करके नहीं लड़ा गया। ये आपको उदाहरण आते हैं। विपक्षी एकता सिर्फ पार्टियों और नेताओं के साथ बैठने से नहीं, लेकिन अगर समाज के स्तर पर कोई मुद्दा जो जनमानस को उद्वेलित करे, उनके इमेजिनेशन को कैप्चर करे, उस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे, तब इन पार्टियों की जो ताकत है, इनके जो कार्यकर्ता हैं, उसका कुछ असर हो सकता है। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं, उनके पास 20-20 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, ना दल है ना इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिया। तो बिहार के पत्रकार जो हैं ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो एमपी है जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? 26-27 गो दल बैठता है, दोनों साइड देखिए, इंडिया में भी और एनडीए में भी, तो उसमें 2/3 दल तो ऐसे जिसका एको एमपी नहीं है, वो तो संख्या गिनाने के लिए एक दलों की परिपाटी है, कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई राष्ट्रीय राजनीति को उलट पुलट कर देंगे। और जहां तक बिहार का सवाल है, चाहे सरकार एनडीए की बने कि इंडिया की बने, बिहार की तो समस्या ये है कि भाई हमारे लिए पलायन कौन रोकेगा। 10 वर्ष से एनडीए की भाजपा की सरकार है, तो बिहार तो 10 वर्ष पहले भी 28वां देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य था और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पलायन जो मुद्दा है, उसको तो ना भाजपा एनडीए ने सुधारा है ना इंडिया ने सुधारा है, तो बिहार के लोगों के नजरिए से कैसे फायदा हो जाएगा?